दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से हम SBI स्टॉक के ऊपर इंट्राडे ट्रेड करके कैसे एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाएंगे उसके बारे में एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने के लिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी को मैंने काफी मेहनत करके बनाया है, खुद एक बार बैक टेस्ट करके देखा, ये स्ट्रैटेजी काफी अच्छा काम दे रहा है। उसके बाद मैंने ये स्ट्रैटेजी को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको इसको अप्लाई करने से पहले एक बार स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली समझ जाना है और खुद एक बार बैक टेस्ट करके देख लेना है। तो देखिए कितना रिस्क आ रहा है, वो रिस्क को कैलकुलेट करके अगर आप उतना रिस्क लेके लाइव मार्केट पे काम कर पाओगे तभी दोस्तों आप इस पे अप्लाई करोगे, नहीं तो इस पे अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों चार्ट पैटर्न ओपन करके कैसे हमको ये स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करना है, कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना टारगेट लेना है, डिटेल्स पे जान के ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए हमको 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने SBI स्टॉक का 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है और ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रहेगा, रिस्क टू रिवार्ड 1:1 का रहेगा और एक दिन पे मैक्सिमम 2 ट्रेड हम इस पे इनिशिएट करेंगे। तो दोस्तों फास्ट ट्रेड पे अगर हमको टारगेट नहीं मिलता है और उसके बाद हमारा सेकेंड ट्रेड आ जाता है तो फास्ट ट्रेड को हमको एग्जिट करके सेकेंड ट्रेड पे एंट्री लेना पड़ेगा और मैक्सिमम 2 ही ट्रेड लेंगे, उसके बाद पोजीशन को एग्जिट करेंगे। उसके अंदर अगर टारगेट मिला तो ठीक है, टारगेट नहीं मिला तो जो भी छोटा सा प्रॉफिट या जो भी छोटा सा लॉस आएगा उसको बुक करके उसी दिन का ट्रेड को क्लोज करेंगे। तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए हमको 2 बुलिश पैटर्न एंड 2 बेयरिश पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो बुलिश पैटर्न क्या क्या है, एक होता है बुलिश हरामी पैटर्न और एक होता है बुलिश एंगलबिंग पैटर्न। बुलिश हरामी पैटर्न आप कैसे फाइंड आउट करोगे, बहुत बड़ा रेड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने के बाद अगर छोटा सा ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, मैंने ये सिर्फ बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो देखो इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न अगर फॉर्म होता है तो बुलिश हरामी पैटर्न बोला जाता है या आप इसको बुलिश मदर चाइल्ड पैटर्न भी बोल सकते हो। और बुलिश एंगलबिंग पैटर्न किसको बोलते हैं, अगर छोटा सा रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है और ये जो रेड कैंडल है ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के अंदर छुप जाता है तभी हम इसको बुलिश एंगलबिंग पैटर्न बोलते हैं। ऐसे सेम हमको बेयरिश पैटर्न भी फाइंड आउट करना है, बेयरिश पैटर्न पे बेयरिश हरामी पैटर्न किसको बोलेंगे, अगर बहुत बड़ा ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद रेड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है और ये ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न का जो बॉडी है उसी बॉडी के रेंज के अंदर ये रेड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो उसको बेयरिश हरामी पैटर्न या बेयरिश मदर चाइल्ड पैटर्न हम बोलेंगे। सेम बेयरिश एंगलबिंग पैटर्न किसको बोलते हैं, अगर छोटा सा ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने के बाद एक बहुत बड़ा रेड कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है और ये रेड कैंडलस्टिक पैटर्न ये ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न उसके अंदर छुप जाता है तो उसी टाइप का पैटर्न को हम बेयरिश एंगलबिंग पैटर्न बोलते हैं। तो ये चार पैटर्न को आपको याद रखना है, मार्केट ओपन होने के बाद ये पैटर्न फॉर्म होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन पे जो मूवमेंट आया था हमको कब एंट्री मिला उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप प्रीवियस ट्रेडिंग डे के हिसाब से देखोगे आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है तो ये लेवल के आसपास देखो हमको पैटर्न मिल गया तो एक बुलिश एंगलबिंग पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है तो एंट्री आपको कब लेना है, ये क्लोजिंग पे आपको एंट्री लेना है तो एंट्री आप 5.27 के आसपास बनाओगे। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, ये दोनों कैंडल के अंदर जो सबसे लो पे आ रहा है उसी पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा तो देखो ये लेवल के आसपास आपका स्टॉप लॉस आ गया तो देखो अराउंड 2.25 के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा है तो ये लेवल से 2.5 के ऊपर हमारा टारगेट रहेगा क्योंकि हम 1:1 रेशियो पे काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 5.47 तो 5.47 के आसपास ये देखो आया नहीं है, इससे पहले देखो ये नीचे आ गया तो यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हुआ है, लेकिन टारगेट अचीव नहीं हुआ है ये नीचे की तरफ आ रहा है उसके साथ देखो हमको और एक पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है तो अगर हमको और एक पैटर्न फॉर्म होते दिख जाता है हम पहले जो एंट्री लिए हैं ये ट्रेड को क्लोज करेंगे तो हमारा छोटा सा लॉस पे ये ट्रेड जाएगा और यहाँ पे देखो बेयरिश एंगलबिंग पैटर्न फॉर्म हुआ तो इसी लेवल के आसपास हमारा सेलिंग आएगा
और हमारा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, तो देखो सेलिंग आ रहा है 5.24 पे और हमारा स्टॉप लॉस ये ग्रीन कैंडल का हाई पे आएगा तो 5.45 पे, तो देखो अराउंड 2 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस है, तो 2 पॉइंट के आसपास टारगेट होगा 5.02, तो देखो टारगेट इसी लेवल के आसपास आ गया। तो इसी दिन देखो फर्स्ट ट्रेड पे हमको 50 पैसा के आसपास लॉस मिला और सेकेंड ट्रेड पे 2 रुपीज के आसपास प्रॉफिट मिला, तो नेट नेट अगर आप देखोगे 1.5 पॉइंट के आसपास हमको प्रॉफिट मिला। और देखो SBI का जो लॉट साइज है वो 1500 है, तो 1500 के हिसाब से देखोगे एक ही लॉट के अंदर हमको 2250 रुपीज के आसपास प्रॉफिट मिला है। तो चलिए प्रीवियस ट्रेडिंग डे के हिसाब से भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये लेवल के आसपास आप देखोगे पैटर्न कहां पे फॉर्म हो रहा है, पैटर्न ये लेवल के आसपास देखो पहला पैटर्न देखने के लिए मिला बुलिश हरामी पैटर्न और आपका एंट्री इसी लेवल पे रहेगा, लेकिन देखो नेक्स्ट कैंडल उससे नीचे आ गया तो ये लेवल के आसपास आपको एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि नीचे की तरफ आ गया तो छोटा सा लॉस आप यहाँ पे बुक करोगे। और इमीडिएट देखो इसी लेवल के आसपास आपको सेलिंग पे पोजिशन लेना है क्योंकि बेयरिश हरामी पैटर्न या बेयरिश मदर चाइल्ड पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है और देखो यहाँ पे आराम से आपको टारगेट मिल जाएगा। तो दोस्तों इस पे अगर कभी कभी एक ट्रेड पे नुकसान आता है तो इमीडिएट सेकेंड ट्रेड पे आपको प्रॉफिट मिल जाता है, ज्यादातर टाइम आपको फास्ट ट्रेड पे भी प्रॉफिट मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एक बार करना, अगर पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।